सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस की पावन बेला में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का प्राचीन शिव मंदिर यज्ञ कमेटी की ओर से, साथ ही वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन। माताओं बहनों से निवेदन है, आपसी वार्तालाप बिल्कुल बंद कर दें। आज विश्राम दिवस की पावन कथा बड़ी ही शांति के साथ और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। उससे पहले हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री राज कपूर जायसवाल जी, श्रीमती शांति देवी जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्रीमती वंदना देवी जी, पूज्य स्वामी जी, माता जी और साथ ही गोपाल चंद्र मंडल जी, श्रीमती बिमला देवी जी मंच से आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन, अपने यथा स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का सभी ध्यान व सुमरण करेंगे व सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोली, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्णा जय, गौ माता। ॐ ज्वालामालिने नमः, रत्ने शरये नमः, सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चंद्रमा मनसो जात शक्षुः, सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखा, दग्ने राजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही
पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् अन्तर्पुष्पाञ्जलिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः ॐ जदनेन जिन्वय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना श्रीकामधेनुः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलब्जै पुन्नः गजातिकरिवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रवालितुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुबन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधे गोविंद सरकार की श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की गौ माता की गौ सेवा धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि वो। आरती के बाद सभी यजमान परिवार से निवेदन है अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। पंडाल में उपस्थित सभी मातृशक्ति सभी भक्तजनों से निवेदन सभी अपना यथा स्थान ग्रहण करें। माताओं बहनों से पुनः निवेदन है कृपया आपसी वार्तालाप बिल्कुल बंद कर दें। जो भी बातचीत कर रहे हैं आजू बाजू वालों से निवेदन है कि उनसे प्रार्थना करें कि कृपया शांत हो जाएं। विश्राम दिवस की पावन कथा बड़ी ही रसमय आनंदमय कथा है, बड़े ही पावन आज की कथा के प्रसंग हैं। हम सभी कथा का रसा स्वादन करेंगे, कथा का दर्शन श्रवण करेंगे। विगत 6 दिवसों से हम सभी बड़ी ही प्यारी रसमय आनंदमय उत्सवमय बड़ी ही दिव्य उत्सव भी हम कथा प्रसंग के माध्यम से मना रहे हैं। कल भी हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव मनाया और अद्भुत आनंद के दर्शन किए। आज सभी कथा में प्रवेश करेंगे लेकिन उन सभी भक्तों का भी हृदय से अभिवादन स्वागत व आशीर्वाद की बेला थोड़े से समय के लिए, क्योंकि जिन भक्तों ने भी आज विश्राम दिवस की पावन बेला में अपनी पावन राशियां अपनी पावन सेवा राशियां दान राशियां जो आप समर्पित कर रहे हैं, ये केवल राशियां नहीं है बल्कि आपके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा सहयोग है, एक बहुत बड़ी सेवा है कि इस राशि का सदुपयोग बीमार गौवंशों के इलाज के लिए, उनके गौग्रास के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए और उन्हें स्वस्थ करने के लिए जो भी सेवाएं गौ सेवा धाम में समर्पित की जाती हैं, क्योंकि ये सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क समर्पित की जाती हैं। लेकिन जब आप जैसे सभी भक्तजन थोड़ा थोड़ा अपना पावन सहयोग समर्पित करते हैं तो ये बड़े बड़े सेवा कार्य करने में हम सक्षमता महसूस करते हैं और सक्षम हो पाते हैं। इसलिए
आप सभी से निवेदन है, आज विश्राम दिवस की पावन बेला है, हम सभी ने ऐसी कथा का रसा स्वादन किया है जो कल्याणकारी तो है ही, लेकिन साथ में सेवामय भी कथा है। और चूंकि सनातन धर्म में चाहे कोई सा भी वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, सभी कहते हैं कि गौ माता हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बड़ी ही वंदनीय है, पूजनीय है। तो हम सभी का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम सबको भी अपने परिवार प्रियजन के नाम से, अपने नाम से कुछ ना कुछ पावन सेवाएं गौ माता के प्रति निकारते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और ये शुभ अवसर था कि आप इस कथा के माध्यम से ब्रज की बीमार गौवंशों की सेवा कर पा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आज भी काफ़ी भक्तजन हैं जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सेवाएं समर्पित की हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप बीमार गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। तो जो शेष रह गए हैं उनसे भी निवेदन है, आज अपनी ओर से परिवार के निमित्त, अपने बच्चों के नाम से कुछ ना कुछ, जो भी आपके मन में, आपके दिल में प्रेरणा जागृत हो कि गौ माता के लिए कुछ तो करना चाहिए, हमारे कार्यालय में आप संपर्क करेंगे। आज जिन्होंने समर्पित किया है कुछ अपनी सेवाएं, उनके पावन नामों का उद्घोषण मैं शीघ्रता से करूंगा और निवेदन करूंगा, शीघ्रता से मंच पर आते जाएंगे, समय का आप सभी ध्यान रखेंगे। सम्मानीय पुष्पा देवी जी जिन्होंने 505 रुपए की राशि समर्पित की, जिन्होंने आज अभी अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, वो भले ही पीछे बैठे हों, मैं निवेदन करूंगा मंच की ओर चलना शुरू कर दें, उनके नामों का उद्घोषण किया जा रहा है। अपनी जो आपको रसीद या पावती दी गई है, निवेदन है कृपया वो अपने साथ जरूर ले आएं यदि हो सके तो। सम्मानीय हर्ष सिंह जी हैं 501 रुपए की राशि, उषा देवी मंडल जी 505 रुपए, आदरणीय मीरा जायसवाल जी 511 रुपए, आदरणीय रेशमा जायसवाल जी 501 रुपए, सम्मानीय नीलकंठ मंडल जी 1111 रुपए, आदरणीय पलक कुमारी जी गुप्तदान के रूप में अपनी राशि समर्पित कर रही हैं, आदरणीय अनीता जी 1100 रुपए की राशि, सम्मानीय चंपा देवी जी 501 रुपए, आदरणीय संजय महतो जी 501 रुपए, आदरणीय उमा देवी जी 501 रुपए, हर्षित कश्यप जी 551 रुपए, चंदन महतो जी 510 रुपए, आदरणीय अभिषेक मंडल जी 501 रुपए, जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है, निवेदन है समय का ध्यान रखेंगे और शीघ्रता से मंच पर आते जाएंगे। आदरणीय अभिषेक मंडल जी 501 रुपए, सम्मानीय सोहन लाल जी 511 रुपए, आदरणीय स्वपम कुमार जी 511 रुपए, आदरणीय अभिषेक मंडल जी गुप्तदान के रूप में अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं, आदरणीय ओमकार जी 501 रुपए, विजय जायसवाल जी 511 रुपए, आदरणीय होलिका कुमारी जी 505 रुपए की राशि, सम्मानीय विकास मंडल जी 1011 रुपए की राशि, आदरणीय खुशबू देवी जी 501 रुपए, आदरणीय गणपति जी हार्डवेयर 501 रुपए, गणपति हार्डवेयर की ओर से आदरणीय अर्जुन प्रसाद जी हैं 505 रुपए, आदरणीय देवांश राज जी 505 रुपए, आदरणीय सौर परमानिक जी हैं 511 रुपए की राशि, आदरणीय रूबी देवी 505 रुपए, सम्मानीय शुभम पाल जी 501 रुपए की राशि जिन्होंने समर्पित की है, जिनका नाम उद्घोष किया गया है, निवेदन है मंच के दाई ओर यानी कि मेरी ओर से दाई ओर जो सीढ़ी है वहां से आए, इस तरफ से कोई आने का प्रयास ना करें, इस तरफ से कोई नहीं आएगा, जो दाहिनी तरफ सीढ़ी है वहां से ही आप सब लोग आएंगे जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है या किया गया है। कृपया समय का ध्यान रखें, शीघ्रता से मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, समय का थोड़ा सभी ध्यान रखेंगे, जो माताएं बहन हैं उनसे निवेदन है कृपया शीघ्रता से आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। आज विश्राम दिवस की पावन बेला है, आज के पावन दिवस में जो भी भक्तजन अभी अपने परिवार प्रियजन के नाम से गौ माता की, बीमार गौवंश की सेवा करेंगे, अपनी पावन सेवाएं समर्पित करेंगे, उन सभी का भी सम्मान व व्यासपीठ का परम आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। कथा के विश्राम के पहले आज की बड़ी ही पावन रसमय कथा जिसका हम सभी रसा स्वादन करेंगे, साथ ही पूज्य देवी जी के YouTube चैनल से जो भी भक्तजन जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं अभी तक उन सभी से निवेदन है आप टाइप करें,
पूज्य देवी जी का नाम और जो यूट्यूब चैनल है उनसे जुड़े, वीडियो को लाइक व शेयर भी किया करें। सभी से निवेदन है यदि ऐसे पावन कार्य करते हैं तो आप सब भी पुण्य के भागी बन सकते हैं, बनते हैं, क्योंकि उन सभी भक्तों तक भी ये पावन कथा, ये पावन सेवा प्रकल्प पहुंच पाते हैं। आप सभी से निवेदन है जो भी भक्तजन आज के पावन दिवस में अपनी पावन सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, जो गौ सेवा धाम के सेवा प्रकल्प निर्माण कार्य के लिए 1200 रुपये वर्ग फुट के नाम हिसाब से आप जितना भी निर्माण कार्यों में अपनी पावन सेवा समर्पित करना चाहें, या 2100 रुपये की जो पावन सेवा है, 2100 रुपये प्रति गज के हिसाब से आप यदि भूमि दान करना चाहते हैं तो जितना भी प्रति गज आप भूमि दान करना चाहते हैं कर सकते हैं 2100 रुपये के प्रति गज के हिसाब से। बीमार गौवंशों को जो पौष्टिक आहार गुड़ खल चोकर दलिया आदि दिया जाता है, जिसके लिए गौ आहार के लिए पावन सेवा राशि 5100 रुपये। बीमार गौवंशों के ऑपरेशन का पावन सहयोग 7100 रुपये। एक ट्रॉली भूसा यदि आप समर्पित करना चाहें तो 21000 रुपये की राशि है। एक ट्रॉली हरा चारा के लिए 11000 रुपये। या जो भक्त रोटी सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि गौ सेवा धाम में हजारों की संख्या में रोटियां बनाई जाती हैं, बीमार गौवंशों को रोटियां भी खिलाई जाती हैं, और आए दिन जो तीज त्यौहार होते हैं गौ माता का भंडारा भी किया जाता है, जिसमें मीठी दलिया या कई ऐसे पकवान पौष्टिक फल पौष्टिक सब्जियों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं जो बीमार गौवंशों को समर्पित किए जाते हैं। आप सब भी ऐसे गौ भंडारे में भी अपना पावन सहयोग समर्पित कर सकते हैं। हमारा कार्य नामांकन पावन कथा की ओर हम सभी बढ़ेंगे। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में सिद्धा में नमन करते हैं। पूज्य स्वामी जी माता जी को नमन करते हुए आज की पावन कथा के लिए निवेदन, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता।
मतिमिरांघस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन् Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Thank you.
चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा के सातवें और विश्राम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आपकी बात खत्म हो तो मैं बोलना शुरू करूं? ध्यान है ना मैया, सबसे आगे बैठी हो आप, शांति बनाए रखो। जिसको जहां जगह स्थान मिल जाए आराम से सभी वहीं पर विराज जाएं, बैठ जाएं, आपस में बातचीत बिल्कुल बंद कर दें। जो पीछे आ रहे हैं आराम से पीछे बैठे और विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करें। तो आज कथा का सातवां दिन है, विश्राम दिन है। श्रीमद् भागवत जी के सारांश का दिन है, सार का दिन है। आज की जो कथा है उसमें भागवत जी से आपने क्या सीखा,
क्या जीवन में धारण करना चाहिए वो आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो बड़ी हड़बड़ी में श्रवण किया था, याद है कि नहीं? बस प्रभु कृपा से विश्राम श्लोक का पाठ करके थोड़ा 20-25 मिनट, पर आज तो प्रकृति भी संग है, आप बस थोड़ा सा संग दे दो कि शांत बैठ जाओ, तो आज कथा का सार हम सब श्रवण करेंगे। वैसे तो भागवत में कोई ऐसी बात, ऐसा प्रसंग, ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं जो सार ना हो। सब वेदों का निष्कर्ष निचोड़ निकाल के ही ये 18,000 श्लोकों की ये परमहंस संहिता बनाई गई है, पर उसमें भी और विशेष आज के दिन भागवत जी के सार का हम सब श्रवण पान करेंगे। सत्संग की महिमा तो आप सब बार बार सुन ही रहे हैं। जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है ये तो प्रश्न ही गलत है। जैसे शरीर को भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा को भगवान की कथा जरूरी है। हरि कथा सुनना इस आत्मा की मांग है। अंतर शक्ति जो हमारे भीतर, दो शरीर हैं, एक तो ये शरीर है जो सबको दिखाई देता है, पांच भौतिक शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर जिसको आत्मा कहते हैं, जिसके बगैर ये मशीन काम नहीं करती है, ये शरीर रूपी मशीन काम नहीं करती है। वो आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो उस आत्मा की जो मांग है, उस आत्मा की जो खुराक है, जो भोजन है, वो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा है। तो 7 दिन से जो आप दे रहे हो अपने आप को, वो भोजन दे रहे हो, पर वो भोजन शरीर वाला भोजन नहीं है, वो आत्मा का भोजन, वो मन की खुराक है। तो उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने मन को तृप्त करने के लिए हम सब भगवान की कथा में जाते हैं, और उससे मन तृप्त भी होता है। जब भगवान की कथा मन सुनता है, मन को जब भगवान की कथा सुनने की आदत डाल दी जाती है, तो धीरे धीरे जैसे नशे वाले को बिना नशा के पदार्थ के नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, वैसे ही भगवान के प्रेमी को भगवान की कथा के बिना चैन नहीं आता, वो ढूंढेगा कहीं भी जा करके। जो नशे वाला आदमी आप उसको कहीं भेज दो तो वो ढूंढ ढाड़ के अपना जुगाड़ कर ही लेगा, कहीं से भी उसको करना पड़े पर वो करेगा। वैसे ही हरि कथा का प्रेमी कहीं चला जाए दुनिया में, वो अपनी कथा की व्यवस्था बना ही लेता है, कर ही लेता है, और करनी भी चाहिए। आज के जमाने में तो देखो, सब चाहे कोई गांव वाले हों चाहे शहर वाले हों, सबके पास एक यंत्र तो होता ही है। कौन सा यंत्र होता है, कौन सा होता है? मोबाइल। चाहे कोई मैया को कछु करनो ना आवे, पर यहाँ फोन जरूर रखेगी, वह उसको ये पता, वो हरे से उठेगा, लाल से कटेगा, और फिर बच्चों से पूछना शुरू कर देती है, बेटा ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। तो ये आज का जमाना है ही ऐसा, बोले इसके बगैर काम भी नहीं चलता। और फिर उस फोन में आ गया, मोबाइल में इंटरनेट,
इंटरनेट में भी फिर धीरे धीरे सब जगह 3G 4G 5G और पता नहीं कितने जी तो अभी आएंगे, सब जगह पहुंच गए। एक वो आ गया बीच में जियो, मतलब मैं यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं बैठी, पर एक उस पे नहीं लिखा होता ट्रक के पीछे जियो और जीने दो, पर जब से जियो आया ना इसने जिया ना किसी को जीने दिया। पहले फिर भी लोग डरते थे कि भाई पैसा लगता है वो डेटा खरीदने में, मोबाइल का जो आता है डेटा उसको खरीदने में बड़ा महंगा होता था। अब वो जब से मुफ्त आया आहा, फिर तो अब तो बैठे बैठे उस पे दिन भर कुछ ना कुछ देख लो। तो चलो मोबाइल भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ सबके पास भी है, तो क्यों ना उस सब कुछ का थोड़ा सा सही उपयोग भी कर लिया जाए। गलत उपयोग तो दुनिया कर ही रही है, वो तो किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता। आजकल के छोटे छोटे बच्चे कैसे क्या करने से, चोरी करने से क्या कैसे न पकड़े जाएं, सब चीज़ तो मिलती है उस पर, तो वो सब सीख लेते हैं। मोबाइल एक अच्छा साधन है। अब यहाँ जो आपके रिश्तेदार नहीं आ पाए कथा में, आप उनको एकदम से बोल सकते हैं कि जी कथा आ रही है YouTube पे लाइव आ रही है, तो वहाँ देख लेना घर बैठ के। तो घर बैठ के जो नहीं आ पाए यहाँ, उन्होंने घर बैठ के देखी। ठीक वैसे ही जब आपके यहाँ से आज कथा विश्राम हो जाएगी, उसके बाद क्या, उसके बाद कथा कब सुनोगे? जब अगले वर्ष यज्ञ समिति फिर से कथा कराएगी, तब तक का इंतजार करोगे? बोले पिछली बार हुई थी, अब की बार हुई, फिर कभी होगी तब सुनेंगे। ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा सुनने से लाभ कब है? जो अब सुन लिया तो इसके बाद अब उसको छोड़ने का मन ना करें। कैसे भी व्यवस्थाएं सब हैं ही हमारे पास, बैठ करके आप अपने घर पर सत्संग श्रवण कर सकते हैं। और कितने लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने मोबाइल पर ही कथा देख देख करके, सुन सुन करके अपना जीवन बदला, अपनी बुराइयों को छोड़ा, अच्छाइयों को अपनाया। फिर आ रही है वहाँ, कौन है वहाँ पे? उसको बंद करवा दो। तो सत्संग जो है कोई एकाध दिन का काम नहीं है, एकाध महीना का काम नहीं है, कोई मुहूर्त का काम नहीं कि फलाना दिन आया, चिल्ड्रंस डे आया तो आज के दिन उत्सव मना लिया, आज दिवाली आई तो आज उत्सव मना। सत्संग रोज होना चाहिए, सत्संग रोज सुनना चाहिए। वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए, पर कई लोग कह सकते हैं जी हमें पढ़ना नहीं आता या हमारा मन नहीं है पढ़ने में, तो सुनो। जितना आप सुनोगे, सुन करके आपके भीतर, और श्रवण करके सुन करके फिर क्या होगा, फिर जब आप यहाँ कथा सुन के कोई संकल्प ले लोगे, संकल्प माने कोई भी, आप एक भाव एक नियम अपने मन में बना लो कि अब हमें ये करना है। एक छोटा सा ऐसी दृष्टांत सुनिए, बड़ा प्यारा है, उससे थोड़ा समझ आ जाए कि नियम क्यों जरूरी है। एक गांव में कथा हुई, ऐसी समिति वालों ने कथा सुनाई, तो ऐसी कथा हुई कि सारा गांव, पूरा की पूरा गांव कथा सुनने आता था। कई जगह ऐसा होता, हमारे साथ भी होता है, कई ऐसे गांव में कथा होती है, घर घर में ताला लग जाता है। कई लोग बोलते हैं कोई पीछे से चोर भी आ जाए ना गांव में तो पता नहीं चलेगा किसके घर, क्योंकि सब कथा में बैठे। तो सारा गांव कथा में आता था, पूरा गांव। तो जब सातवां दिन आया तो जो व्यास जी थे उन्होंने सबको कहा कि भैया
तुम सबने 7 दिन कथा सुनी, अब एक काम करो, सब लोग जितने भी यहाँ लोग हो आप सब, कोई ना कोई अपने जीवन में कोई एक नियम ले लो, कोई संकल्प ले लो, या तो कुछ अच्छा करने का कि हम आज से एक माला शुरू करेंगे, किसी को है कि हमें मांस मदिरा छोड़नी है वो ले लो, किसी को हमें तामसिक भोजन प्याज लहसुन छोड़ना वो छोड़ दो, किसी को है कि हम रोज हर वर्ष परिक्रमा जाएंगे ब्रज में वो ले, जिसकी जो इच्छा, पर लेना जरूर है, सबको जो संकल्प लेना, तो सब ने ले लिया। बस गांव में एक गांव के सेठ जी थे, उनको थोड़ा कथा में कोई रुचि नहीं थी, ज़्यादा उनका मन नहीं था तो वो आते नहीं थे, तो पंडित जी ने पूछा कि सबरे गांव ने संकल्प लिया ना, बोला हाँ महाराज जी, एक सेठ जी रह रहे, बोलो उनको ही बुलाओ वो भी लेंगे, तो सेठ जी को बुला लाए। अब सेठ जी से कहा, सेठ जी आप भी संकल्प लो। सेठ जी बोले हम क्या संकल्प लें, हम कथा वथा में आए नहीं तो क्या संकल्प लेंगे, बोले कुछ भी लो आप, देखो परंपरा मत तोड़ो गांव की, जब सब लोगों ने लिया तो आप भी ले लो, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो सेठ जी ने अपने सर से बोझ टालने के लिए क्या संकल्प ले लिया, बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता, हम संकल्प लेते हैं रोज उसका मुख का दर्शन करके उसके बाद ही खाना खाएंगे, रोज उसका मुंह देखेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। पंडित जी बोले ठीक है यही बढ़िया, कुछ तो लिया तुमने, पर देखना निभाना पड़ेगा ये, बोले हाँ बिल्कुल निभाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो सेठ जी आ गए और सिर्फ लिया ही नहीं, सचमुच निभाया भी। रोज सुबह उठते, जैसे सुबह सुबह उठ के कोई भगवान का दर्शन करता है, वो उठ करके कुम्हार का चेहरा देखते, हाँ दिख गया, अब हम अपना काम शुरू कर देते, भोजन वोजन पा लेते। और ये नियम उन्होंने कितने साल निभाया, बोले 11 साल तक ये नियम निभाया बिना इस नियम को तोड़े। पर एक दिन जब सुबह सुबह सेठ जी उठे, झांक के देखा तो कुम्हार दिखा नहीं, 1 घंटा इंतज़ार किया दिखा नहीं, 2 घंटा इंतज़ार किया दिखा नहीं, 10 बज गए, 11 बज गए। अब सेठ जी को लगा कि ये तो आज दिख नहीं रहा, तो सेठानी से पूछा कि कुम्हारन से पूछा कि तेरा पति कहाँ है, तो बोली कि वो आज शहर गए थे, हो सकता आने में थोड़ा लेट हो गए, इसलिए वहीं से सीधा माटी लेने के लिए पहाड़ पे चले गए होंगे। अब वो पहाड़ पे गया माटी लेने, अच्छा, तो सेठ जी ने सोचा चलो वहां जाके देखेंगे, मुंह तो देखेंगे, नियम ले रखा है। तो सेठ जी गए, अब वो जब कुम्हार ऊपर पहाड़ पे माटी खोद रहा था, तो माटी खोदते खोदते उसको माटी के भीतर एक घड़े में सोने का खजाना मिल गया। उस घड़ा में सोना भरा है, चांदी भरी है, सब कुछ माल घड़ा में भरा हुआ है। अब जैसे कुमार ने देखा तो उसका तो एकदम दिन ही बन गया, खुश हो गया, अरे बाबा आज तो जीवन बदल गया मेरा, खुश हो गया, सोच रहा कहीं कोई देख तो नहीं रहा, देख लूँ पहले ध्यान से, कोई आस पास लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई नहीं देख रहा। उसने झांक करके नीचे देखा तो सेठ जी नीचे खड़े थे। सेठ जी ने जैसे कुमार को देखा तो कुमार को देख करके सेठ जी क्या बोले, देख लिया देख लिया देख लिया। उन्होंने तो कहा मुंह देख लिया कि हमारा संकल्प पूरा हो गया, हमने मुंह देख लिया, और कुमार सोचे किसने सोना देख लिया। तो कुमार बोला अरे सेठ जी इधर आओ, तो सेठ जी गए, बोले देखो देख लिया आपने, तो सेठ जी बोले हाँ देख लिया। अरे अब चलो देख लिया तो क्या कर सकते, पर किसी को कहना नहीं, किसी को आप बोलना नहीं, उसके बदले आप नहीं बोलोगे तो ये 50-50 आधा आधा बांट लेंगे, आधा आपका आधा मेरा। सेठ जी बोले कौन सा आधा कैसा आधा, तो उसने कलश घड़ा दिखाया, घड़ा दिखाया, तो सेठ जी वाह वाह वाह, और देख करके सेठ जी के आंख से आंसू आ गए। कुमार बोला रहे सेठ जी काय को रो रहे हो, 50 कम लग रहा क्या, चलो 60 आप रख लो, 40 हमें दे दो, पर रो मत। तो सेठ जी बोले ना ना भैया, मैं तेरे इसको पैसा को देख करके नहीं रो रहा, पर मेरे मन में इसको देख करके एक बात आ जाई, क्या बोले सत्संग सुन के मैंने एक नियम लिया, वो जो कोई नियम भी नहीं था, ये कोई नियम है कि मुंह देखना कुमार का, पर
बस ऐसे ही टालने के लिए मैंने ले लिया कि चलो महात्मा जी का ये सर से बोझ उतर जाए, गांव वाले पीछे पड़े थे तो मैं बोला ये कर लेते लो। उसको टालने के लिए मैं तेरा रोज मुंह देखता था, और तेरा रोज मुंह देखने से मुझे इतना धन मिल गया। सोच, अगर मैंने रोज उठ करके भगवान का मुख देखने का नियम लिया होता तो आज मेरा पूरा जीवन बदल जाता, आज मुझे वो खजाना मिल जाता जिसके सामने खजाना तो कुछ भी नहीं है। सो भैया तू ये अपने पास ही रख, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। पर आज समझ आ गया कि सत्संग सुन के कोई संकल्प लेने से कैसे जीवन बदल सकता है। तो कहानी का मतलब, इस दृष्टांत का मतलब बस इतना ही है कि आज यहाँ से जब उठो, इतनी सारी संख्या में आप सब पधारे हो, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं उठना है किसी को भी। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सीख, कोई भगवान का नाम माला, किसी को कोई कि हमें कंठी पहननी है, किसी को ये नियम ले सकता, हमें चंदन लगाना है, जो आपको पसंद आए, जो आपको रुचि कराए, वो नियम आपको आज यहाँ से लेकर के जाना है। और सब नियमों से भी बड़ा एक नियम जिसके आगे सब नियम फीके हैं, वो क्या है? आप कुछ ना भी कर पाओ, चलो मान लिया आप कुछ छोड़ नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो एक काम जरूर करिएगा। क्या बोले? नित्य कथा सुनने के बाद आपको भगवान नाम की, महामंत्र की, हरे कृष्ण महामंत्र की रोज कम से कम एक माला नित्य आपको भगवान के नाम की करनी है। और उसके अलावा भी आपको जब याद आ जाए, चलते फिरते सो रहे नींद नहीं आ रही, बहुत से अब नींद नहीं आ रही तो क्या करें, दिमाग चलता रहता है 120 की स्पीड से, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो उस समय भी जीभ तो खाली होती है, नींद नहीं आ रही तो क्या कर रहे, उस समय मन मन में अपनी जिव्या से महामंत्र का जाप करते रहे। महामंत्र समझते हैं ना, कौन सा है महामंत्र बताइए, बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। महाप्रभु की देन है हरे कृष्ण महामंत्र। और महाप्रभु तो आप सब जानते, पीछे दर्शन कर रहे हैं, और झारखंड में तो महाप्रभु की खूब सारी लीलाएं भी हैं। आपके गांव में भी जब घुसते हैं, मंदिर में प्रवेश करते, तो मंदिर के बाहर ही महाप्रभु दोनों हाथ उठा के मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। तो उन्हीं महाप्रभु ने सारे जगत में यही बताया कि कलयुग में एकमात्र कोई सार है तो वो भगवान का नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, भगवत नाम है, उसका सबको जाप करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक दिन पूछा था, दान कर पाओगे सब कुछ जो आपके पास है? आपने कहा नहीं। घर बार छोड़ के जा पाओगे? वो भी सबके लिए संभव नहीं। पर भगवान का नाम तो सबके लिए संभव है, यहां तक कि आप कथा में बैठे हो, सत्संग सुनते सुनते भी तो नाम जाप कर सकते हो। इधर उधर की बात चालू कर दी, इससे बोले उससे बोले इससे अच्छा तो आप कान से सुनते रहो और जीभ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलते रहो। है ना सरल साधन, सरल भी सस्ता भी, कोई पैसा लगना नहीं। अगर मैं आपको इतना भी कहूं कि आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए तो तीर्थ यात्रा के लिए भी तो पैसा लगता है, टिकट कराओ ये कराओ कमरा कराओ ये कराओ, लेकिन इसमें तो कोई पैसा लगना नहीं, कोई समय भी लगना नहीं, बस करते रहो जिव्या से। जब आपको याद आ जाए, जब स्मरण आ जाए, बोलना शुरू कर दो मन मन में, जोर से भी नहीं बोलो, मन मन में बोलो, पर बोलते रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा,
कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही आधार है। और ये नाम की महिमा हम क्या मानव तो छोड़ ही दीजिए, भगवान के नाम की महिमा पशु पक्षी चर अचर सब जीव जानते हैं कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। इसलिए उस नाम का आश्रय लीजिए। धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, धरती चारों धाम तेरो नाम।
सच्ची पूजा। कोई पूछे कि क्या पूजा करने का मतलब कोई बहुत विधि विधान से करना है, तो कहा कि नहीं, तेरा नाम ही सच्ची पूजा। अगर हम तुम्हारा नाम का स्मरण, नाम का जाप करेंगे तो वास्तविकता में वही पूजा है, वही ध्यान है, वही वंदना है, वही अर्चना है। तो ऐसा भाव यहाँ आज के दिन हम सब, देखो कथा से जाते हो तो घर जाते हैं तो प्रसाद मिलता है ना बाहर, वही जिसमें आप धक्का मुक्की करते हो वही प्रसाद। पर इतना सा प्रसाद कितने दिन रहेगा शरीर में? कहते पानी हमारे शरीर में एक दिन तक रहता, उसकी जो ऊर्जा, उसकी जो शक्ति है एक दिन तक रहती है।
भोजन हमारे शरीर में 3 दिन तक रहता है, लेकिन यहाँ भगवान की कथा में जो बात निकले और वो हमारे दिल में बैठ जाए तो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन हमारे संग रहती, हमेशा हमें ऊर्जा देती रहेगी। तो यहाँ की जो बात है, यहाँ की जो उपदेश हैं श्री सुखदेव जी के द्वारा जो किए जा रहे, ये उपदेश कोई मेरे या किसी और समाज के जो वक्ता उनके द्वारा नहीं किए गए, हम तो बस जो ऋषि मुनियों का महापुरुषों का जो संदेश लिखा है शास्त्रों में बस उसको आगे तक पहुंचा देते हैं। असल में संदेश तो उनका है, महापुरुषों का है। तो उसी भावना के साथ आज की जो कथा है 7वें दिन की, उसको हम सब श्रवण करेंगे। और भी कुछ चीज़ें, कुछ चरित्र जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं, उन सब का श्रवण पान करेंगे। आइए सभी भागवत के कथा प्रसंग में थोड़ा सा जो शेष बचा है उसको सुनते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल आपने भगवान के विवाह का उत्सव मनाया, प्रसंग सुना, भगवान का विवाह हुआ द्वारिका में। सबसे पहला विवाह हुआ किनके साथ हुआ, किनके साथ हुआ? मैया रुक्मणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। एक बेटे हुए इनके श्री प्रद्युम्न महाराज। फिर भगवान के दूसरे विवाह की प्रसंग सुखदेव जी सुना रहे हैं। आप सबने सुना होगा जब राम भगवान लंका पर चढ़ाई करने गए तो सुग्रीव की सेना में एक योद्धा थे श्री जामवन जी। वो श्री जामवन जी महाराज जो त्रेता युग में भी थे वही कलयुग में भी थे, और द्वापर युग में भी थे, और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण थे, जब लीला कर रहे थे द्वारिका में, तब उनकी भेंट श्री जामवन जी से हुई। जामवन जी की एक बेटी है जिनका नाम है देवी जामवती। जामवती देवी वैसे तो अब जामवन जी की पुत्री हैं, शरीर से तो पशु योनि में थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण इनके पास आए गुफा में तो जामवन जी ने निवेदन किया, हे प्रभु आप हमारी पुत्री, आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा कि जामवन जी को कि महाराज आप थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हमारा तो ब्याह हो गया, रुक्मणी जी के साथ हमने ब्याह कर लिया। तो जामवन जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु ये कोई राम अवतार थोड़ी है जहाँ कोई एक पत्नी व्रत धर्म आप मर्यादा में निभाना पड़े, ये तो लीला अवतार है, यहाँ तो जो आपकी शरण में आए भाव ले के सो उसी से ब्याह, और जगत पति हैं आपसे बिलग अलग है कौन, तो अब ये तो आप टाल नहीं सकते, आपको हमारी पुत्री को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सामने पुत्री बैठी थी, भगवान ने योग माया शक्ति से इनको बड़ी सौंदर्यवान स्त्री बना दिया और इनके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। तो भगवान की दूसरी रानी जिनका नाम है, क्या नाम है बोलिए, सो तो नहीं रहे पता लगे, क्या नाम है, है? जामवान नहीं, जामवती। जामवान जी तो ससुर जी हैं। बच्चे तो जामवती जी भगवान की दूसरी पत्नी है। अच्छा चलो एक टास्क करते हैं, टास्क पता ना अंग्रेजी में टास्क किसको कहते हैं, 8 के नाम आपको एक एक करके मुझे बताने, पता चले कितनी बढ़िया ये मेमोरी है आपकी। पहली रानी, पीछे वाले यही है कहीं और हैं,
नहीं है ना, तो बोलिए पहली रानी रुक्मणी। ये क्या है, तुम्हारी कोई पड़ोसन है? लक्ष्मी जी का अवतार है, थोड़ा आगे कुछ सम्मान तो लगा दो, जी जा तो कुछ लगा दो। पहली भगवान की पटरानी है देवी रुक्मणी, दूसरी रानी देवी जाम्बती जी। पहली जो रुक्मणी जी हैं ये लक्ष्मी जी का अवतार हैं, जाम्बती जी पार्वती जी का अवतार हैं, और तीसरी एक रानी हैं जिनका नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा जी के पिताजी थे सत्राजित, इनके पास एक मणि थी, उसको चोरी करके यही जामवन जी ले गए थे, लेकिन उस सत्राजित ने सोचा मणि कृष्ण ने चुराई है, क्योंकि ये तो बचपन से ही ठहरा चोर, हमारी मणि चुरा ली, भगवान पे कलंक लगाया, पर भगवान तो ढूंढ ढाड़ के जामवन जी से वो मणि ले आए, सत्राजित को वापस लौटा दी। अब उसको लगा कि अरे ये तो गलती हो गई, भगवान पे कलंक लगा दिया और वो भी झूठा इल्जाम लगा दिया, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करें? तो उनकी बेटी जो है सत्यभामा, वो बचपन से ही भगवान को चाहती थी, लेकिन पहले तो उन्होंने जबरन ब्याह कर दिया तय किसी और के साथ, लेकिन जब अपना कलंक दूर करना था, भगवान को प्रसन्न करना था, तब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से करा दिया। तो तीसरी रानी हो गई सत्यभामा जी। यहां तक याद है ना? अब चौथी चतुर्थ रानी कौन है? ब्रज में बहुत सारे मंदिर हैं, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा विनोद जी, राधा वल्लभ जी, अष्ट देवालय हैं, सप्त देवालय हैं, और भी कई मूर्ति बाहर चली गई जैसे मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, लेकिन एक चीज जो ब्रज की सबसे बड़ी पहचान है, मालूम है किसी को? है क्या? सुनाई नहीं दे रहा, अब भी नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ो। देवी यमुना, हाँ, ब्रज की पहचान है यमुना महारानी। बाकी सब तो मंदिर देवालय सब बाद में बने, बाद में उनका निर्माण किया गया, पर यमुना जी तो थोड़ी किसी ने बनाई, वो तो संग आई हैं भगवान के। जब भगवान गोलोक से आए धरती पे, तो भगवान अपना सारा पूरा खानदान, परिवार, जगह, स्थान सब संग लेके आए, तो यमुना जी को भी संग लेके आए। तो जो यमुना जी हैं उनका एक नाम, दूसरा जो एक नाम है वो कालिंदी भी है, कालिंदी यमुना। तो यमुना जी, कालिंदी मैया जो हैं, वो भगवान की चतुर्थ चौथे नंबर की पटरानी हैं। इनके साथ भगवान ने विवाह किया, तो चौथी पटरानी है, बोलिए, कालिंदी मैया। फोन चल रहे हैं, लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो, पर बोलना नहीं। पांचवी पटरानी, पांचवी पटरानी का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। एक उन्वेंद्र नाम के राजा थे जिनकी बेटी हैं देवी मित्रविंदा। ये तो भगवान से बहुत चाहती थी, पर पिताजी को पसंद नहीं था कि इनसे ब्याह हो। सो जब स्वयंवर हुआ तो सब राजाओं को न्योता दिया, पर भगवान द्वारिकाधीश को नहीं बुलाया। माला दे दी गई कि जाओ अपना वर चुनो। अब बड़े बड़े राजा तो आए थे, पर मित्रविंदा जी को तो जो चाहिए वो तो आया ही नहीं। तो मन ही मन जब माला लेके जा रही तो पुकार रही, प्रभु आप आइए आइए। और जैसे देवी मित्रविंदा माला लेके पहुंची, तो बीच में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए
और प्रकट होती मित्र विंदा देवी ने भगवान के गले में माला पहना दी। तो भगवान की पांचवी जो पटरानी है उनका नाम है मित्र विंदा। छठवी भगवान की रानी, ये सब भागवत में तो खूब लंबे लंबे इनके प्रसंग हैं, पर हम बस ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं, कैसे ब्याह हुआ, किन क्या भगवान ने परीक्षा दी, सब लिखा भागवत जी में। तो छठवी जो रानी है राजा नग्नजीत की बेटी, इनका एक नाम नग्नजीती भी है, एक नाम इनका सत्या भी है। सत्या जी के साथ भगवान ने विवाह किया। इनके पिताजी ने परीक्षा रखी थी कि एक बड़ा सा मैदान, उसमें बड़े बड़े सिंहों वाले बैलों को छोड़ दिया और कहा कि जो इन सब बैलों की रस्सी एक साथ मेरे हाथ में पकड़ाएगा उससे उसका बल का परिचय होगा, शक्ति का, उसके साथ हम अपनी बेटी का ब्याह करें। तो अच्छा, एक बात और इससे ये साबित होती है कि पहले के जमाने में जब ब्याह होते थे ना, शादी होती थी, तो शादी में परीक्षा कौन देता था, किसकी परीक्षा होती थी, लड़के की, वर की परीक्षा होती थी। लड़के की परीक्षा होती थी, बलवान कितना है, धनवान कितना, आदि आदि। लड़की की कोई परीक्षा नहीं होती थी। आजकल उल्टा जमाना है, आजकल जब वो छोरी को देखने आते हैं तो सारी परीक्षा जो वो सास की थोड़ी बहुत इच्छा जब कोई परीक्षा में रह गई, वो सब आकर के उस लड़की पे पूरा उतारती है। क्या खाना बना लेती है, क्या सिल लेती है, क्या बुनाई कर लेती है, वो सब जितने दुनिया भर के प्रश्न है वो सब तुझे कुछ भागवत जी, रामायण जी, महाभारत जी कुछ पढ़ी है तूने, कुछ सुना सुना, चौपाई सुना, महाभारत सुना। बहू बोली कि माँ जी यहाँ तो चौपाई सुन लो, महाभारत तो आपके घर ही आके करूँगी, यहाँ तो बस चौपाई से काम चला लो। तो उल्टा होता है आजकल, पहले वर की परीक्षा होती थी। तो भगवान ने परीक्षा में पास होकर के सत्या जी के साथ विवाह किया। तो भगवान की छठवीं पटरानी हुई देवी सत्या। सातवीं भगवान की पटरानी है जिनका नाम है देवी भद्रा। भद्रा भी, ये जितनी भी भगवान की रानियां हैं ना, इन सबको भगवान से कैसे प्रेम हुआ, इन्होंने देखा नहीं भगवान को, बस इनके बारे में सुना करती थी, कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, बस प्रेम हो गया सुन के भगवान के गुणों को। तो भद्रा भी भगवान से प्रेम करती थी, भगवान से निवेदन किया, भगवान ने इनको स्वीकार किया। तो भगवान की सातवीं जो पटरानी है वो देवी भद्रा है, और आठवीं अंतिम जो अष्ट पटरानियों में जो अंतिम रानी है उनका नाम है देवी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा जी के साथ भगवान ने, जैसे अर्जुन जी ने द्रौपदी के साथ ब्याह किया मत्स्य भेदन करके, वैसे ही भगवान कृष्ण ने लक्ष्मणा जी के साथ विवाह किया। तो आठवीं रानी हुई लक्ष्मणा। ये भगवान की आठ मुख्य पटरानी है। अब पूछूं सबके नाम, बताओगे, ऐसे मत बताना रुक रुक के और आवाज ही ना निकले, सबकी आवाज पता है तो फिर अब बोलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। पहली रानी, और जोर से, रुक्मणी जी। दूसरी, जामवती जी। तीसरी, सत्यभामा जी। चौथी, कालिंदी जी। पांचवी, मित्रविंदा। बैटरी लो होती जा रही है। पांचवी मित्रविंदा, छठवी देवी सत्या, सातवी भद्रा, और आठवी देवी लक्ष्मण। वाह, सब याद है, ताली बजाओ अपने लिए। अच्छी
स्मरण शक्ति है, तो जब अच्छी स्मरण शक्ति है तो जो जो यहाँ कहा है ना 7 दिन उसको याद रखना, और खासकर वो बात जरूर याद रखना, गलत खाना नहीं, गलत खाने देना नहीं, और बात तो याद रहे ना रहे पर उसको मत भूलना। स्मरण में यहाँ वो रहनी चाहिए, अटक जानी चाहिए। चलो उस पे बाद में आएंगे। 8 रानी, ये भगवान की 8 रानी है। सबके नाम कैसे ब्याह हुआ ये सुखदेव जी ने बताया। अब इसके बाद 16,100 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। 16,100 रानी, अब इनके नाम तो सुखदेव जी ने भी नहीं बताए, तो हम तो क्या ही जाने। लेकिन इनके साथ भगवान ने कैसे विवाह किया, कोई अपनी मन की वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु इन सब रानियों ने भगवान को पुकारा। इन सब रानियों को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना रखा था, और सोचा इन सबके साथ विवाह करूंगा। लेकिन जब इन कन्याओं को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, इनको लगा कि हम तो बस जीते जी यहीं ऐसे इसी के बंधन में मारी जाएंगी, तो क्यों ना भगवान को पुकार करके उनसे निवेदन किया जाए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। सब रानियों ने भगवान को पुकारा और भगवान ने इनको स्वीकार करते हुए इन पर कृपा की है। और याद रखिए, जीवन में कोई परिस्थिति हो जो एक बार भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दे और भगवान से निवेदन करे कि हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें बचा लीजिए, तो भगवान जरूर आते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो आप भी भगवान से यही निवेदन करिए। सभी भाव से गाएंगे, आज कथा का विश्राम दिन है, तो भगवान से ये कहिए कि हे प्रभु हमारा तन मन धन हमारा सब कुछ आपके चरणों में समाहित है, आपके चरणों में समर्पित है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, हाँ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया, तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, और हाथ उठा के श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम
अपना बना ले, तू हमें आज अपना बना ले, हमें आज अपना बना ले। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया वाले, श्याम सुंदर बसुरिया वाले। Oh,
हे दीन बंधु, मेरा जीवन है तेरे हवाले, तू चाहे जिसे भी नचाले, सब उनके इशारों पर नाचने वाले हैं। ऐसे सर्व सामर्थ्य भगवान को जो अपना जीवन समर्पित करता है, भगवान उस पर कृपा करके सदा सदा के लिए उसको अपना बना लेते हैं। तो आज जब 16,000 इन कन्याओं ने भगवान की पुकार की, भगवान को पुकारा, तो भगवान ने आकर के इनकी रक्षा की। इन सब के साथ भगवान ने विवाह करते हुए इन सबको स्वीकार किया। इसके बाद भगवान ने पांडवों के उस यज्ञ में जा करके अपनी सहभागिता निभाई, जिस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई, प्रभु का सम्मान हुआ। भगवान ने वही शिशुपाल का उद्धार किया, शिशुपाल पर कृपा की है। इसके उपरांत एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो राजा अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करता था। भगवान ने उस पर कृपा करते हुए उसकी जो जिस प्रकार वो अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश का अवतार बताता था, उसकी पोल भगवान ने खोलते हुए सबके सामने उसका उद्धार किया। और भगवान ने ये भी शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति उठ करके आता और आकर के आपको कहता है कि हम भगवान हैं, हम अवतार हैं, तो ऐसे ही किसी को नहीं मान लेना चाहिए। आजकल ज़माना ऐसा चल गया है, भगवान बनने का भी एक फैशन चल रहा है, देवी देवता बनने का भी फैशन चल रहा है, कि हम उस देवी का अवतार हैं, हम उस देवता का अवतार हैं। अगर कोई अवतार होता भी है तो पहली बात तो कोई अवतार खुद घोषणा करता ही नहीं है कि वो अवतार है। संत से पूछो ना आप कभी किसी संत से कि महाराज आप तो बड़े अच्छे संत हो, तो कहेगा अरे काहे के संत, हम तो बड़े पापी, हम तो बड़े अधम हैं। जो खुद अपने आप को संत की उपमा दे के कहे कि हाँ हम भारी संत हैं, तो उसमें काहे का संतत्व। संत तो वो है जो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, जो अपने आप को तृण से भी छोटा समझता है। विनम्र भाव ये संत का लक्षण है, साधु का लक्षण है। कारुणिका करुणा लक्षण है, शांत होना ये साधु का लक्षण है। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होता साधु का, ये सब लक्षण है। तो भगवान ने इस पौंड्रक का उद्धार किया, इस पर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। इसके बाद जरासंध नाम का एक राजा, इस पर भी भगवान ने कृपा की, राजा नरक पर कृपा की। अपने बालकों को, पुत्रों को उपदेश दिया कि कुछ भी हो जाए पर साधुओं की, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि ये अपमान ऐसा अपमान है, भगवान कहते मैं खुद भी चाहूं तो इस अपमान के अपराध से मैं बचा नहीं सकता। इसलिए साधु अवज्ञा से बचना चाहिए, ब्राह्मण अवज्ञा से बचना चाहिए। तो पुत्रों को उपदेश दिया। इसके बाद भगवान के एक और भक्त का चरित्र सुनाया जा रहा है। भगवान के परम भक्त, भगवान के परम सखा, जिनका नाम है, क्या नाम है, सुदामा जी, भक्त सुदामा। सुदामा जी की कथा बड़ी ही रसमयी है। सब जानते हैं कि कैसे सुदामा बचपन में भगवान से मिले। बचपन की जो मैत्री है, मित्रता है, वो अंत समय तक भी सुदामा ने निभाई। और मैत्री होने भी चाहिए, मित्रता में अपना ही अपना स्वार्थ देखते रहो तो कैसी मित्रता। कई लोग मित्र इसलिए बनाते हैं कि ये मित्र कभी हमारे बुरे समय में काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा स्वार्थ रख के अगर तुम किसी से रिश्ता निभा रहे हो तो वो रिश्ता लंबे समय तक टिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। पर सुदामा और कृष्ण की मित्रता तो कोई स्वार्थ की थी नहीं। जब सुदामा जी पढ़ने गए, भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए महर्षि संदीपनी के आश्रम में, दोनों का मिलना हुआ।
वहीं पर दोनों की मित्रता हो गई और वो मित्रता फिर ऐसी मन में बैठ गई कि कृष्ण द्वारिका चले गए, सुदामा अपने गांव गुजरात चले गए, लेकिन मन से कृष्ण कभी नहीं गए। मन से सुदामा के हृदय में भगवान हमेशा रहते थे। और सुदामा की एक सबसे अच्छी बात क्या थी, बोले सुदामा ग्रस्त थे। सुदामा के जीवन में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, पर ग्रस्त रह करके भी सुदामा जी ने उस ग्रस्त के बंधन को कभी अपने ऊपर आने नहीं दिया। अक्सर भक्ति भजन की जब बात होती तो हम लोग बहाना मार देते हैं, अजी ये भजन भक्ति ये तो साधुओं का काम है, बाबा जियों का काम है, अब हम तो घर वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम कैसे भजन कर लेंगे, हमारा तो यही भजन है, इनकी सेवा करो यही भजन है। अरे वो सेवा है, वो भजन नहीं है। सेवा कर रहे हो भगवान का मान के सेवा करो, पर भजन तो करना ही पड़ेगा। परिवार की सेवा से पुण्य तो मिल जाएगा पर भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भजन करने से। तो करो परिवार की सेवा, लेकिन भजन भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी है। और ग्रस्त धर्म का बहाना नहीं मारना चाहिए, परिवार का बहन, जितने भगवान के भक्त हुए क्या ग्रस्त नहीं थे, क्या ग्रस्त में रह के भजन नहीं हो सकता, पर हम करना नहीं चाहते। अगर करना चाहेंगे तो भजन अपने आप हो ही जाएगा। सुदामा जी उसका प्रमाण है, मेरे बच्चे नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, ये सब ठाकुर जी के, भगवान के, ऐसा सोच के सुदामा जी उनका पालन पोषण करते थे। ब्राह्मण जाति थी, ब्राह्मण जाति का धर्म कहता है कि ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, लेकिन भिक्षा में जो सामने वाला अपनी श्रद्धा से दे उसको स्वीकार कर लेना, ये ब्राह्मण का धर्म है। सुदामा जी का नियम था कि वो जाकर के भिक्षा मांगा करते थे और जो मिल जाता उसको बड़ी श्रद्धा से धैर्य से अपने जीवन में ग्रहण करते, नहीं मिलता तो किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती सुदामा जी कभी नहीं करते, शांति से अपना जीवन जीते थे। यहाँ तक कि भगवान से कोई इच्छा भी नहीं रखते कि प्रभु ऐसा करो, भगवान ये दे दो, धन दौलत दे दो, कभी भगवान से मांगा ही नहीं, मांगने की कभी इच्छा ही पैदा नहीं हुई कि नहीं नहीं भगवान से क्या मांगना, वो सब जानते हैं हमारे हित के बारे में। इसलिए सुदामा जी अपना जीवन बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। घर में संकट परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन सुदामा जी कभी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बस भगवान का नाम लेते रहे। और इसीलिए श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को एक संत की पदवी दी है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे सुदामा जी, घर में रहकर के घर से अलग थे। कैसे घर में रहकर के घर को अलग अपने मन से रखा जाए ये सुदामा जी जानते थे। हम लोग घर से अलग शरीर से चले जाते हैं लेकिन मन से नहीं जा पाते, मन से घर भी अपने संग ले जाते, जैसे बहुत से लोग गंगा जी नहाने जाते हैं ना, जाएंगे अकेले पर मन में पूरा खानदान ले जाएंगे, इसलिए जब वहां गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो किस किस के नाम की लगाते हैं, ये चिंकी के नाम की, ये चिंकी के पापा के नाम की, ये चिंकी की ताई के नाम की, ये फूफा के नाम की, ये बुआ के नाम की। तो शरीर से तो चले गए हरिद्वार पर मन में पूरा खानदानी संग लेकर के गए। और जिसने घर छोड़ा, घर त्यागा, लेकिन बुराइयां नहीं त्याग पाया तो उसके घर छोड़ने का क्या लाभ। तो पहले तो घर में रह करके अपनी जो आदतें हैं, जो बुराइयां हैं, उसका त्याग करो, वो त्याग करने से भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो सुदामा जी इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन देवी सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि हे स्वामी, आप, मैंने देखा है हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम लेते रहते हैं, एक नाम पुकारते रहते, कौन है वो कृष्ण। सुदामा जी ने बात को टाल दिया, लेकिन भगवान ने आकर के सुशीला को बताया
कि द्वारिकाधीश कृष्ण ही सुदामा के मित्र हैं। और ये बात जब सुशीला मैया को पता लगी तो भगवान से निवेदन करने लगी कि हे स्वामी, आप क्यों ना जाकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश से कुछ अपनी स्थिति बताओ, कैसे बाल बच्चों के लिए खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं घर में, तुम्हारा इतना बड़ा यार है, इतना बड़ा मित्र, क्या कुछ कर नहीं सकता, कोई नौकरी चाकरी दे देगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, सोना चांदी दे देगा। सुदामा जी कहते, सुशीला क्या इसलिए मैंने मित्रता की थी कि नौकरी दे दे, धन दे दे, पैसा दे दे, ना ना ना, मैं नहीं जाने वाला। तो भगवान सुशीला ने देखा कि ये तो ऐसे जाने को तैयार नहीं, तो क्या करें, जिस बात से ये जाएंगे वो बात कहो। तो सुशीला ने कहा कि हे स्वामी देखो, आप मांगने मत जाओ, पर कृष्ण से, द्वारिकाधीश से मिलने तो जा सकते हो, मिलोगे, उनसे बातें करोगे तो कितना आनंद आएगा। लालच दे रही हैं सुदामा जी को ताकि इनके मन में बैठ जाए कि वह मिलने जाना है। और वही हुआ, सुदामा को लगा आहा, कितने दिन हो गए अपने मित्र से मिले हुए, क्यों ना एक बार जा करके मिला जाए। तो सुदामा जी अपने बगल में कांक में चावल की पोटली दबा करके द्वारिका की ओर जाने लगे। द्वारिका की ओर जा रहे हैं, मन में विश्वास लेकर के, भक्ति भाव लेकर के सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में विघ्न बाधा सबको पार करते करते, भक्ति का विश्वास लेकर के चलते चलते सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। और जब द्वारिका पहुंचे तो वहां क्या देखा, बड़े बड़े महल आश्रम सब बने हुए हैं, बड़े बड़े स्वर्ण के महल को देख करके श्री सुदामा जी की आंखें चौंधिया गई। किसका इतना वैभव, अरे हम तो समझते थे कि छोटा मोटा कोई नगर बसा होगा, पर यहाँ तो सोने का महल, सोने का पूरा नगर बसा हुआ है। सबसे पूछा कि भैया इसमें द्वारिकाधीश का घर, उसका महल कौन सा है। किसी ने पता बता दिया, सुदामा जी इस पते पर पहुँचे, द्वारपाल बाहर खड़े थे, सब द्वारपालों से निवेदन किया, भैया एक बार जा करके हमारी सूचना कृष्ण तक पहुंचा दो। द्वारपालों ने समझाने का भी प्रयास किया कि भैया समय तो है नहीं ये मिलने का, ले नहीं नहीं तुम पहुंचा तो दो, निर्णय वो करेगा मिलना कि नहीं मिलना, उसे मिलना होगा तो समय देगा और नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल भीतर गए, जाकर के भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया, प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र मिलने आया है, उसकी दशा बताई। और जैसे सुदामा जी की दशा बताई गई, भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है। और उठ कर के भगवान कृष्ण दौड़े, सुदामा का नाम चिल्लाते पुकारते पुकारते, रोते रोते भगवान पहुँचे और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को देख करके अश्रु बहाए, भगवान कृष्ण ने सुदामा को देख करके अश्रु बहाए, दोनों मित्र एक दूसरे से लिपट करके खूब रोए। इतने दिनों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई सुदामा की, कब से मन में भाव था कि जाऊंगा कृष्ण से मिलूंगा, लेकिन संकोच बार बार आ जाता कि कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं, क्या दूं, ये सब संकोच के कारण सुदामा आ नहीं पाई। पर आज सब संकोच की बेड़ियों को तोड़ करके सुदामा जी पहुंचे और भगवान कृष्ण से उनका मिलन हुआ। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर अपने ही सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया, सुदामा जी उस पर विराजमान हो गए। रुक्मणी जी को कहा कि देवी हम चाहते अपने मित्र के पांव पखारे, चरण धोए, तो एक बर्तन पात्र लेके आओ। देवी रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई, बर्तन लेकर के आई, लेकिन क्या देखती है, भगवान ने उस पात्र में जो जल था उसको तो स्पर्श ही नहीं किया। अपने मित्र की दशा देख करके श्री ठाकुर जी की आंखों से अश्रु बहे और अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के भगवान ने चरण धोए। इस प्रकार
अपने मित्र का स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी ने पूछा, भैया एक बात बता, ब्याह शादी तेरो कछु है गयो कि अभी तक कुवारोई है? सुदामा ठाकुर जी ने कहा, नाना बिल्कुल ब्याह क्यों नहीं होगा हमारा, कोई कमी है क्या हमारे लिए ब्याहों की? तो बोले, तो भाभी से एक बार मिलवा दो, परिचय करवा दो। तो भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया कि आओ प्रणाम करो। तो आए रुक्मणी जी, आकर के प्रणाम किया सुदामा जी को। तो सुदामा जी बड़े खुश, वाह वाह बड़ी सुंदर बहू है लाला तेरी, हाथ उठा के आशीर्वाद भी दे दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। रुक्मणी जी प्रणाम करके आगे चली गई, जामवती जी आ गई प्रणाम करने। जैसे वो झुकी तो सुदामा जी बोले, इनका परिचय? ले, ये भी तुम्हारी भाभी हैं? ले, दो दो भाभी हैं। बोले, दो दो नहीं, अभी तो गिन आ गए। तो उन्होंने प्रणाम किया, सत्यभामा जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, दो चार सबको आशीर्वाद श्री सुदामा जी दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब पांच गई, दस गई, बीस गई, पचास गई, सौ गई। अब ये तो पूरी टोली की टोली, मंडली की मंडली है। सुदामा जी अब इतने लंबी भीड़ देख करके अब आशीर्वाद थोड़ा शॉर्ट हो गया, अब बस भव भव भव। तो सुदामा जी बोले, भैया ये इतने सब, ये सब कहाँते आई हैं? तो कहाँते आई हैं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सब तेरी बहू हैं कि कहीं आस पड़ोस से इकट्ठी कर लायो है? ले, इकट्ठी ना करी, ये सब बहू ही हैं। कितनी बहू हैं? 16,108। सुदामा ने पूछी, अभी कितनी हुई हैं? बोले, हुई होंगी 150-200, अभी तो हजारों बाकी हैं। सुदामा जी बोले, या हिसाब ते इनको आशीर्वाद देन लगे ना, तो मुझे लगे यहाँ ते मेरो शव ही वापस जाएगो, क्योंकि मैं ठहरो गरीब दरिद्र ब्राह्मण, कितने दिनन ते भोजन पानी पायो ना मैंने, इनके आशीर्वाद देने के चक्कर में मेरो काम है लेगो। अब ठाकुर जी बोले, श्री सुदामा जी ने कहा कि भैया अब हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा कि दे, आधों को दे दी, अब आधों को नहीं देगा तो आधी हमें बड़ा परेशान करेंगे कि हमको नहीं दिलवाया, इनको दिलवा दिया। सुदामा जी बोले, भैया अब कछु भी कर, उपाय तो तू खोज। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो। देखो, कहते हैं कि कोई काम कार्य पति करे तो उसका आधा पुण्य पत्नी को अपने आप मिल जाता है। तो एक काम करो, हमको आशीर्वाद दे दो, इन सब की जगह हमको अकेले को दोगे तो इन सबको बैठे बिठाई को सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। सुदामा जी, हाँ ये बढ़िया बात है। तो श्री सुदामा जी के चरणों में ठाकुर जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सब रानियों को आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा कि अब ये मेल जोल तो चलता रहेगा, अब ये तो बाद में करेंगे मेल मिलाप, पहले ये बता हमारे लिए लाया क्या है तू? खाली हाथ थोड़ी आया होगा, कुछ तो लाया होगा। अब सुदामा जी की हृदय की धड़कन बढ़ने लगी, अजी कैसे कहें कि एक मुट्ठी चावल तुम्हारे लिए तंदूर लाए हैं, और हाँ अकेले होते तो शायद कह भी देते, पर यहाँ तो देखो इतनी सारी इनकी रानियाँ खड़ी हैं, एक से बढ़कर एक घराने की रानी है, क्या बोलेंगी सब, क्या सोचेंगी मन में, क्या लाया मित्र के लिए, चावल लेके आया एक फटी सी उसमें बांध करके। तो सुदामा जी संकोच के मारे अपने बगल में जो चावल की पोटली थी उसको छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा, यहाँ ये हाथ में क्या कर रहा है? बोले सुदामा जी, अरे ना ना वो भैया बड़ी दूर से चल के आया हूँ ना, तो मेरे हाथ ने दुखन लगे हैं, दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, पहले बता दे तो हम पाम की जगह हाथ दबा देते। बोले ना ना वो तो ठीक है, हम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ठाकुर जी बोले, ना ना अब तो हाथ दबा के ही रहेंगे। तो जबरन भक्तवत्सल भगवान ने सुदामा के हाथ से, कांख से जो चावल की पोटली थी उसको खींचा, और खींच करके जब खोल के देखा, देख करके ऐसे राजी हुए प्रभु जैसे कोई
भगवान की कोई मन पसंद प्रिय वस्तु लेकर के सुदामा आया है। भगवान उसमें से एक मुट्ठी तंदुल, दूसरा तंदुल प्रसाद में ग्रहण करते हैं, कुछ रानियों में बांट देते हैं। इस प्रकार भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ। सुदामा जी का ये मिलन इतिहास में, जब जब कृष्ण का नाम आएगा तब तब सुदामा का नाम गाया जाएगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से Thank you.
दया से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तो हे सबके जीवन में ये बात देखो तो एकदम सच ही है कि करने वाले सब ठाकुर जी ही हैं, कर वही रहे हैं, और देखने में लगता रे वाह ये आदमी क्या क्या कर रहा है, कितनी प्रतिष्ठा पा रहा है, कितना नाम पा रहा है, लेकिन सब कुछ श्री ठाकुर जी ही कर रहे हैं, वही करने वाले वही कराने वाले हैं, हम सब उनकी हाथ की कठपुतली हैं। कठपुतली का खेल जो होता था पहले, ऊपर नचाता रहता, दिखता है दो नाच रहे हैं पर नचाने वाला ऊपर बैठा है। इस दुनिया को चलाने वाला भी सबके डोर को, किसी को कहाँ उलझा रखा है, किसी को कहाँ उलझा रखा है, सुलझाने वाला भी वही है और उलझाने वाला भी वही है। ऐसे भगवान सुदामा जी ने ठान लिया था कि इनसे कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि जो हो रहा है सब इनकी कृपा से ही हो रहा है। तो भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी अगले दिन भगवान से विदाई लेकर के वापस अपने गांव आ गए। गांव आए लेकिन अद्भुत चमत्कार हुआ। सुदामा जी की झोंपड़ी जो टूटी फूटी थी वो सब तो गायब हो चुकी थी, और वहाँ एक बड़ा भारी आलीशान महल बना हुआ है, नगर बसा हुआ है। नगर का नाम है सुदामा नगर। सुदामा जी देख करके भौचक्के रह गए, हमारे नाम का नगर, पर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, राजा को रंग रंग को राजा बनाने में एक क्षण नहीं लगता इनको। सब कुछ दिया सुदामा को, भगवान का उसको प्रसाद समझ के सुदामा जी ने स्वीकार किया, लेकिन जीवन वैसे ही जिया जैसे पहले जीते थे। एक छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया, उसमें भजन करना, भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, और भजन करते करते सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये सुदामा जी महाराज की दिव्य प्रसंग को, चरित्र को श्री सुखदेव जी ने सुनाया है। और सुदामा जी की कथा से यही सबसे सीखने योग्य है कि भगवान से कभी कोई शिकायत मत करो, ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, करा लो प्यारे जो भी तेरी मर्जी। भगवान से उल्हाना देने की हमें आदत पड़ जाती है, भगवान से शिकायत करने की हमें आदत पड़ जाती है। मंदिर में शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, संतों के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, पर सुदामा जी की भक्ति से सीखो शिकायत नहीं, भगवान को धन्यवाद देना सीखो। हाथ है, पांव है, मुंह है, कान है, आंख है, और क्या चाहिए इससे बड़ा? पांव पे चल पा रहे हो तो इससे बड़ी कृपा क्या है? जिसके पांव नहीं उससे पूछो। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तब तक दुखी होता रहा कि मेरे पास अच्छे महंगे वाले जूते नहीं, जब तक मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा नहीं जिसके पास पांव ही नहीं है। तेरे पास तो केवल वो महंगे वस्तुएं नहीं है, पर उसके पास तो वो भी नहीं। अगर वो ठाकुर जी ने तुमको दिया है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जो दिया है उसको अनुभव करो। जब सांस रुक जाती है और जब डॉक्टर ले जाते हैं उसमें वेंटिलेटर पर, एक एक सांस की कितनी कीमत है पता है ना? कोई आसपास जानकारी में कोई कभी तो कोई हुआ होगा आपके, डॉक्टर साहब लाखों लाखों रुपया का आईसीयू का बिल बना देते हैं, ऑक्सीजन का बिल बना देते हैं। वही ऑक्सीजन मुफ्त में फ्री में ले रहे हो, बैठे बैठे 24 घंटे चल रही है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है ना, कृपा भगवान की। इसके बाद भी अगर भगवान को उल्हाना दोगे तो इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है कि जिसने सब कुछ दिया उसी को जाके उल्हाना दे रहे? नहीं, भगवान को उल्हाना नहीं, भगवान को धन्यवाद दीजिए। यही श्री सुदामा जी की कथा से हम सबको सीखना चाहिए। कथा तो बड़ी, प्रसंग तो सुदामा जी का बड़ा अद्भुत है, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान भी रखते हुए कि आज कथा भी
समय पर ही विश्राम करेंगे। हमारे जितने भी सब संगी साथी, सबको जाना है, सबकी ट्रेन है, तो सब बस्ता बैग लेकर के बैठे हैं कि कब छुट्टी और कब भागे। तो समय पर ही कथा विश्राम करेंगे ताकि 9 बजे तक सब विश्राम हो जाए और उनकी ट्रेन न छूटे। तो श्री सुदामा जी की कथा प्रसंग को प्रणाम करते हुए आइए, जो थोड़ा सा प्रसंग और शेष बचा है उसको संक्षेप में श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विराम दे करके अब अपनी नित्य लीला में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। यदुवंशियों को आपस में भगवान ने उलझाया, युद्ध हुआ, धीरे धीरे कुछ वंश के लोग मारे गए, अंत में भगवान भी प्रवास क्षेत्र में जा करके, जब जा रहे थे तो दव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, आपके जाने के बाद संसार कलयुग के लोग आपका दर्शन कहाँ करें? तो भगवान ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, अपितु मैं अपने स्वरूप को इसी श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहा हूँ। इसका मतलब आपके सामने जो यहाँ 7 दिन तक विराजमान रही, वो केवल कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान ही भागवत स्वरूप में हमारे बीच में आके 7 दिन तक विराजमान रहे हैं, क्योंकि भागवत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय आप हम सब ने 7 दिन तक यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में प्राप्त किया। ये कथा सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। सूत जी इस कथा को विराम की ओर बढ़ाते हैं। सुखदेव जी की विदाई होती है, क्योंकि श्राप के अनुसार आज राजा का 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज राजा को आशीर्वाद लेकर के वहां से विदा लेते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के प्रसंगों का, तत्वों का हृदयस्थ करते हुए परीक्षित जी ने उस पर अमल किया, भगवान का ध्यान किया, अपने अंतर मन को, अपनी अंतरात्मा को भगवान के चरणों से जोड़ दिया, तक्षकाया डस के चला गया और सप्त दिवसीय कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। इसके बाद कथा के श्रीमद् भागवत जी का जो विश्राम श्लोक है उसका पाठ एक बार आप सब लोग मिल करके करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें और भागवत जी का विश्राम श्लोक सभी साथ में पाठ करें। नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। इसी श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत जी विश्राम की ओर बढ़ती हैं और यही भागवत का सार है कि नाम संकीर्तनम यश्य, भगवान के नाम जिसकी चर्चा हमने आरंभ में की थी। और मुझे
याद नहीं पिछले साल तो आज के दिन थोड़ा सा भगदड़ ज़्यादा थी पता नहीं, पर अधिकांश जो भी कथा होती है उसमें मैं आखिरी दिन यही निवेदन करती हूँ कि भागवत में दक्षिणा स्वरूप आप अपनी कमियों की आहुति और एक माला नित्य हरे कृष्ण महामंत्र की अपने जीवन में अवश्य करें। तो अब तो साल बीत गए, आगे भी वर्ष बीतते जाएंगे, अब एक माला से काम चलेगा नहीं, अब तो बढ़नी चाहिए, क्लास बढ़ती जाती है ना, प्रमोशन होना चाहिए, एक ही जगह अटके रहोगे तो क्या फ़ायदा। तो एक माला का समय अब आपका गया, अब उस माला को और बढ़ाइए, हरे कृष्ण महामंत्र की तुलसी माला लेकर उस पर जाप करें, उसको आरंभ करें, यही आपकी भागवत की 7 दिन की दक्षिणा और यही फल है भागवत जी का। अगर ये आप करने लगेंगे तो समझिए भागवत जी आपके चित्त में बैठ गई हैं और आपको भागवत जी की कृपा मिल गई है। तो आप सबसे निवेदन है, आप इतनी भारी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, स्थान अभाव पिछले वर्ष भी हो गया था, इस वर्ष भी स्थान का अभाव है, पर फिर भी इतनी संख्या में इतनी भीड़ में भी आपने अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, बस शुरू में ही थोड़ा सा कुल बुलाते थे, बाकी तो फिर सेट हो गए तो उसके बाद तो हिलते नहीं। तो आपने बड़े शांति से इतनी संख्या होते हुए भी इतनी शांतिपूर्वक कथा सुनी, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये कथा पंकज जी का बहुत भाव था, बार बार सूचना मुझे प्राप्त होती रहती थी कि आप कथा के लिए निवेदन कर रहे हैं, थोड़ी कथाओं की व्यस्तता चल रही थी, पर आपका बहुत ही आग्रह था और सामने जो विराजमान हैं भगवान के परम रसिक भगवान श्री भोलेनाथ, उनको कथा सुननी थी तो खींच करके यहाँ ले आए और दूसरे वर्ष भी यहाँ कथा सुनाने का अवसर उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। श्रोता बन के तो वही विराजमान है, वही श्रवण कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, उनकी कृपा से ये संभव हो पाया। यहाँ पूरी यज्ञ समिति जो तन मन धन से इतना सुंदर छोटे से गांव में, छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा गांव है और यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं जुटाना, सब कुछ संभालना आसान नहीं है, लेकिन सब व्यवस्था पूरी समिति मिलकर के बनाती है। समिति के सभी पदाधिकारी, सेवक जन, बहुत सारे युवा यहाँ सब भाई हैं, सब व्यवस्थाएं बनाते हैं, कोई भोजन की, कोई बैठने की, सब लगे रहते हैं, देख करके बड़ा अच्छा, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए यज्ञ समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। और भगवत चरणों में यही निवेदन, आप निरंतर ऐसी शुभ कार्य कराते रहें, अपने गाँव में ऐसे शुभ कार्य होने चाहिए, इसी से धीरे धीरे बदलाव आएगा, इसी से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और आता है, ज़रूर आता है। यहाँ कुछ ज़्यादा तो मिलने का इतना कुछ रखा नहीं, पर जो लोग मिलने आए उसमें से जितने आए उनमें से जिन लोगों ने आकर के मुझे बताया कि हम पूर्व में कुछ गलत खाते पीते थे पर पिछले साल कथा सुनी उसके बाद हमने वो त्याग दी, मुझे लगता है कि वो सुनकर के मुझे और बल मिलता है और शक्ति मिलती है कि आखिरकार इस कथा से अगर एक व्यक्ति भी कोई गलत काम करना छोड़ देता है तो मेरी ये 7 दिन की यहाँ कथा कहना सफल हो गया। और आप सब, मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आप सब अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे, पहनना अच्छा, खाना अच्छा, बोलना अच्छा, भक्ति भजन ये सब आपके जीवन में आएगा, गौ सेवा आपके जीवन में होनी चाहिए, समय समय पर गौ माता की सेवा जहाँ आपको मिल जाए करिए, जितना सामर्थ्य उतना करिए, चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, कहीं गाय पड़ी है तो थोड़ी सी फर्स्ट एड, कुछ जितनी आपसे बन पड़े वो कर दीजिए। इतने सारे युवा यहाँ बच्चे हैं जो सब कथा से जुड़े, आप सब अपनी एक, जैसे हर जगह गौरक्षा के लिए एक दल होता है, समिति होती है, आप सब अगर युवा चाहें, बहुत ऐसे युवा अलग अलग शहर से आते हैं कि हम अपनी टीम बना के, ज़्यादा तो हमसे होता नहीं पर जहाँ कोई गाय बीमार होती है थोड़ा फर्स्ट एड का सामान रखते हैं, जाके उनका इलाज वहाँ जितना बन पड़ता है वो करते हैं। तो आप सब युवाओं में वो शक्ति है कि आप कर सकते हैं, आप गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़िए, आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी प्रयास से
गाय की रक्षा हो पाएगी। यहाँ 7 दिन तक आप सबने कथा श्रवण की, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबको खूब खूब प्रणाम और आप सबको न्योता निमंत्रण। आप जब भी वृंदावन आए आप ज़रूर पधारिए, ब्रज की महिमा आप सुनते ही रहते हैं तो वृंदावन जरूर आए। और मन से तो रोज ही हो आया करो, मन से क्या टिकट लगनी है, मन से रोज एक वृंदावन की परिक्रमा लगा के आयो तो भगवान फिर कृपा करके फिर असल में भी बुलाएंगे, वृंदावन का वास देंगे और आप सबको ब्रज का दर्शन होगा। यही प्रार्थना करते हुए भगवत कथा को भगवत चरणों में ही समर्पित करते हुए आइए थोड़ी अंतिम में जो स्वागत बेला है उसको श्रवण करेंगे और फिर हरिनाम कीर्तन के द्वारा कथा को हम सभी विश्राम करेंगे। सभी से निवेदन है माताओं बहनों से कि देखो 9 बजे तक तो है ना कथा का समय, कथा चलती तब भी बैठती ना, तो थोड़ा 5-10 मिनट और बहुत अच्छे लग रहे हो आप, एकदम जहाँ सेट हो वहीं सेट रहो, क्योंकि एक भी उठा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बैठे रहिए और जब हरि नाम कीर्तन हो तब सब उठ के नृत्य करेंगे, पर अभी सब बैठ के सूचना श्रवण करें। जय श्री राधे। विश्राम दिवस की पावन बेला चल रही है और विश्राम दिवस में मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करना चाहूंगा जिन्होंने कथा से जुड़ते हुए अपनी पावन सेवा राशियां समर्पित की हैं। आज के दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवा या अपना पावन सहयोग समर्पित किया है, मैं निवेदन करूंगा कि जो जहां भी हैं मंच की ओर चलना प्रारंभ कर दें, शीघ्रता के साथ उनके पावन नामों का उद्घोष करेंगे और निवेदन करेंगे कि समय का ध्यान रखें, शीघ्रता से आएं, अपने साथ आपको जो पावती दी गई है उसे जरूर साथ में लाएंगे। आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय उत्पल मंडल जी, आदरणीय अभिषेक कुमार जी, रंजीत कुमार जी, जितेंद्र प्रसाद जी, किरण देवी जी, अपूर्वा सेना जी, उर्वशी देवी जी, राधा रानी जी, इच्छा प्रजापति जी, मिथिलेश जी, नेवार राम जी, पैमली देवी जी, नेपाल चंद्र जी, जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है, कृपया निवेदन शीघ्र मंच पर आते जाएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। रिद्धि गोस्वामी जी, नेपाल चंद्र जी, गीता देवी जी, एकता ग्राम संगठन सालिक ग्राम जी, बालकृष्ण ओझा जी, रामलखन जी, विष्णु जायसवाल जी, मनोज श्रीवास्तव जी, राघव मिश्रा जी, सूरज मिश्रा जी, सूरज मंडल जी, दुर्गा प्रसाद जी, बैजनाथ जायसवाल, सम्मानीय संजीव कुमार जी, रेखा सेन, बलराम सेन, सविता कुमार, सर्वेश्वर महतो, कृपया कतारबद्धता से आते जाएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। पंकज जायसवाल जी जो कि कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे पंकज भैया, आप श्री ने 11,000 रुपये की राशि समर्पित की है, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। पंकज भैया से भी निवेदन है मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। ध्रुव जगत जी, गोपाल भगत जी, प्रतिमा देवी जी, रंजीत कुमार जी, आशा देवी जी, निवेदन है कृपया शीघ्र मंच पर आते जाएं। आरती शर्मा जी, जयराम शर्मा जी, सम्मानीय आरती शर्मा जी, जयराम सिंह जी, जगतपति सिंह जी, रीता वर्मा जी, जिनका नाम उद्घोष हो रहा है कृपया शीघ्र मंच पर आते जाएंगे। नेहा कुमारी जी, लड्डू सिंह जी, सुनील हार्डवेयर, दुर्गा ठाकुर जी, मालती देवी जी, आनंद जायसवाल जी, मिथिलेश जी, मदन जी, रविशंकर जी, सुनील टेंट हाउस, मयंक जी, तनीषा जी, सौर प्रताप सिंह जी, अजीत कुमार जी, जयसिया राम जी, संतोष दत्ता जी, रिद्मा पांडे जी, दिव्यांशी पांडे, वैष्णवी पांडे, रेखा देवी जी, मुटुक लाल जी, आदरणीय सेना मणि देवी जी, हीरा लाल प्रजापति जी, वीरेंद्र कुमार नायक जी, संजय कुमार जी, भागीरथ कुमार जी, सुहानी कुमार जी, अंशु जायसवाल जी और विशाल आनंद जी, शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। निवेदन है कृपया जो मंच पे नहीं आना है जिनको, वो खड़े ना हों, जिन्होंने आज अपनी पावन सेवा समर्पित की है वो ही मंच पर आएंगे और अपने साथ अपनी रसीद या जो पावती आपको दी गई है वो जरूर लाएंगे। निश्चय ही आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं, आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जो इतने अधिक संख्या में पधार कर आप सभी ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसा स्वादन किया है, आप सभी का हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दानदाताओं का, उन सभी गौ भक्तों का जिन्होंने बीमार गौवंशों की सेवा के लिए अपनी पावन सेवाएँ समर्पित की।
प्राचीन शिव मंदिर यज्ञ कमेटी की ओर से भी आप सभी श्री का, सभी भक्तों का, सभी माताओं बहनों का हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन। कथा के विश्राम के बाद यज्ञ कमेटी की ओर से आप सभी के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे, बगैर प्रसाद के कोई न जाए। माताओं बहनों की अधिकता भीड़ है, मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, अपने कीमती आभूषण, मोबाइल, पर्स या छोटे बच्चों का सभी विशेष ध्यान रखेंगे। जिनका नाम उद्घोष हुआ है, कृपया शीघ्रता से मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण कर लें। इसके बाद हम सभी विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे यजमान परिवार हैं, कृपया तैयार रहेंगे। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी माता बहनें, साथ ही मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय श्री काशीनाथ सिंह जी से कि वो भी मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। थोड़ी सी व्यवस्था बनाएंगे। माताओं बहनों से निवेदन है, जिन्होंने सेवा राशि समर्पित की है, वो कृपया शीघ्रता से मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। और वो ही आए जिन्होंने आज की तारीख में, आज के दिवस में अपनी पावन सेवा समर्पित की है। अपनी रसीद या पावती जरूर अपने साथ लाएंगे। थोड़ी सी शांति व्यवस्था भी बनाएंगे। माताओं बहनों से पुनः निवेदन, अपने कीमती आभूषणों का ध्यान रखेंगे, मोबाइल का, पर्स का या छोटे बच्चे जो आपके साथ आए हैं, सभी ध्यान रखेंगे। हम सभी विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए जो कथा के मुख्य यजमान जी हैं, वो आरती के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, मंच पर पधारेंगे। आदरणीय सुनील भरद्वाज जी मथुरा से, प्रदीप कुमार महतो जी और देव नारायण ओझा जी, उनसे भी निवेदन है कि आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की पावन सेवा प्रकल्पों से जो भी भक्तजन जुड़े हैं, उन सबका भी पूरे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन। आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे यजमान परिवार हैं, कृपया मंच पर पधारेंगे। जो स्वागत बेला है, निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आते जाएं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। व्यवस्था बनाने में आप सभी सहयोग करेंगे, पीछे माताओं बहनों की भीड़ अधिक है, तो आप सभी थोड़ा सा सहयोग करते हुए अनुशासन मर्यादा का पालन करें और व्यवस्था बनाएं। जो स्वागत के लिए आ चुके हैं, हो चुका है, कृपया नीचे होते जाएं शीघ्रता के साथ। सम्मानीय श्री राज कपूर जायसवाल जी, श्रीमती शांति देवी जी, निवेदन है मंच पर आएं आरती के लिए। श्री संजय जायसवाल जी, श्रीमती वंदना देवी जी मंच पर आएंगे आरती के लिए। पूज्य स्वामी जी, पूज्य माता जी भी आरती के लिए मंच पर पधारेंगी। गोपाल चंद्र मंडल जी, श्रीमती बिमला देवी जी से भी निवेदन है कि आरती के लिए मंच पर पधारें। अब जो भी स्वागत वाले हैं, मैं निवेदन करूंगा वहीं से व्यासपीठ को नमन कर लें। समय का अभाव है, यजमान परिवार शीघ्र मंच पर आएं। सम्मानीय श्री राज कपूर जायसवाल जी, श्रीमती शांति देवी जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्रीमती वंदना देवी शीघ्र मंच पर आकर आरती में सम्मिलित होंगे। अब जो भी हैं उन्हें रोक दिया जाए और वहीं से निवेदन है आप व्यासपीठ को नमन कर दें। आइए हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थगंधक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम आरार्त्रि पार्थिव गंगरायः पितुर्व्रायिधम् अविहेदिवः शदांगुक्षेम रहते बृहतिष्ठ आत्वेकं वर्तते तमः।
हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मो है, प्यारी बंसी मेरो मन मो है, मैं देख छवि बलहारी जाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री चरणों में बल बल जाओ, श्री चरणों में बल बल जाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि नैनों में बसाओ, प्यारी छवि नैनों में बसाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे हरि बोल, श्री माँ के बिहारी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, मैं तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, मैं तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, मैं तेरी आरती गाओ। तेहनाकं महिमानः षट्चन्द्र पूर्वे साध्याः शंति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नाशुकः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंबक पाणलब्जे पुनः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद् भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की,
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की गौ माता की गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरी।